हाय निशा राठौर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। ये बहुत कम समय में बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत स्वादिष्ट लगने वाली मिठाई है, तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बड़ा बर्तन लेंगे, इस गैस पे रख देते हैं। इसमें डाल देते हैं 200 ग्राम शुगर और इसका आधा पानी लेंगे। जितनी हमने चीनी ली है उससे आधी क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। तो अब हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चाशनी हमने एक तार की बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम हटा के रख देंगे और एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। उसमें डाल देते हैं एक कटोरी ऑयल। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम ब्रेड को काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से एक गिलास लेंगे, इसको गोल काटना है हमें इस तरीके से। और जो इसका पार्ट निकला है इसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 ब्रेड लिए थे, सारे ब्रेड हमने इस तरीके से कट करके रख लिए हैं। तो इधर हमारा ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है। अब सारे ब्रेड हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ब्रेड को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो सारे ब्रेड हमें इस तरीके से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो ब्रेड तो हमारे सिक चुके हैं, गैस को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे हमने 100 ग्राम मावा लिया है, इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मावे में हमने इलायची को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे जो हमने चाशनी बना के रखी है उसमें हम सारे टुकड़े डिप कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारे टुकड़े चाशनी में डिप करके रखेंगे। तो हमने सारे टुकड़े चाशनी में डिप करके रख लिए हैं। अब हम इनके ऊपर मावा लगाएंगे। इसे हम दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे टुकड़ों के ऊपर हमने इस तरीके से मावा लगाकर रख लिया है। अब बादाम कतरन और पिस्ता के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो है ना 5 मिनट में तैयार होने वाली खूबसूरत और स्वादिष्ट मिठाई। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।